इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वेलकम टू वीडियो नंबर 27। और यहाँ पे हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑर्थोगोनैलिटी ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शन, या फिर इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, दैट इज ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसल फंक्शन। ओके, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शन का यहाँ पे एक प्रूफ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछा आता है, उसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, एक एक स्टेप को अच्छे से मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप आखिर तक देखना, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस चैप्टर का जो प्ले लिस्ट है ओके उसको आप अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, यस, इस वीडियो का जो प्ले लिस्ट है, इस चैप्टर का जो प्ले लिस्ट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यस, शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखो, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स इंटू जे एन बीटा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा एंड दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ जे एन प्लस 1 अल्फा होल स्क्वायर व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। तो हमें जो है यहाँ पे दोनों को प्रूफ करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी जब अल्फा बीटा दोनों इक्वल नहीं होंगे, और जब दोनों इक्वल होंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ जे एन प्लस 1 अल्फा इसका होल स्क्वायर। फाइन, यहाँ पे अल्फा बीटा, ये जो अल्फा बीटा, ये क्या है? अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ जे एन एक्स इक्वल टू 0। आपके पास एक इक्वेशन जे एन एक्स इक्वल टू 0, उसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा और बीटा होंगे। फाइन, यस, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं अब इस प्रूफ के साथ। फाइन, यस, सिंस वी नो दैट जे एन अल्फा एक्स, जे एन अल्फा एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। आपके पास ये इक्वेशन जिसका एक सोल्यूशन क्या होता है, ये होता है दैट इज जे एन अल्फा एक्स। ओके, अब यहाँ पर अगर देखोगे प्रॉब्लम में, आपको यहाँ पर जे एन अल्फा एक्स लिखा हुआ है और जे एन बीटा एक्स लिखा हुआ है। तो लेट्स सपोज जे एन अल्फा एक्स मैं यू मान लेता हूँ, और जे एन बीटा एक्स मैं क्या मान लेता हूँ? वी मान लेता हूँ। वी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे मैं u से प्रेजेंट कर सकता हूँ इसके लिए, और जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे हम v से प्रेजेंट कर सकते हैं इस वाले फॉर्म के लिए। ओके, यस, तो यहाँ पे देखो अपना क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी यू अपन डी एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू यू इक्वल टू 0। इसको हम क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वी इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। फाइन, यस, अब इसके बाद देखो हमको क्या करना है। यस, यस, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2, ये जो अपन इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वी अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही हम यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यू अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्टिंग, मतलब दिस एंड माइनस दिस। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हम क्या किए, वी अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई कर लिए, तो वी अपॉन एक्स इंटू दिस पार्ट विच इज दिस। ओके, सिमिलरली माइनस यू अपॉन एक्स इंटू दिस, दैट इज थर्ड वाला इक्वेशन का ये वाला, एंड दिस इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर आगे क्या करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, देखो यहाँ पर हम अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फाइन, इसको से मल्टीप्लाई करने पे देखो अपना क्या हुआ, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बस क्या बचेगा? वी एक्स बचेगा, वी एक्स इंटू दिस पार्ट। वैसे यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस ऑफ दिस इंटू दिस करेंगे तो क्या होगा? एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स बचेगा तो माइनस ऑफ यू एक्स इंटू दिस पार्ट। ओके, यहाँ पे वी एक्स है, यहाँ पे अपने पास क्या है? यू एक्स है। ओके, तो एक्स कॉमन निकाल लिया तो वी इंटू दिस पार्ट हो गया, वैसे माइनस ऑफ यू इंटू दिस पार्ट लिख सकते हैं ऐसा? यस, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। अब इसको से मल्टीप्लाई करो तो एक्स एक्स कैंसिल, तो वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, फिर माइनस ऑफ इसको से मल्टीप्लाई करो, एक्स एक्स कैंसिल तो माइनस ऑफ यू डी वी अपॉन डी एक्स लिख लिए। फिर यहाँ पे आ जाओ, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस, तो यहाँ पे देखो यू वी अपॉन एक्स, वैसे यहाँ पे देखो यू वी अपॉन एक्स, तो यू वी अपॉन एक्स को अपन जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पास क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको अपन लिख लिए, नेगेटिव ऑफ दिस पार्ट दैट इज माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर हो गया, दिस इक्वल्स टू 0। फाइन, अब यहाँ पे जो ये एन एन आपस में क्या होगा? आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यस, अब ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी वी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स, बिकॉज इसको अपन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हमको ये प्लस ई वाला पार्ट मिलेगा। ओके, वैसे ये इस टाइप के जो डेरिवेशन होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा
कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको देख के समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ओके यस, आप यहाँ से इस स्टेप को ला सकते हो, लेकिन यहाँ से यहाँ लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के जितने डेरिवेशन वगैरह होते हैं, यस प्रूफ होते हैं, उसको एटलीस्ट आप 5 बार लिखिए। ओके 5 बार लिखेंगे तो कम से कम दिमाग के किसी ना किसी कोने में जो है हमेशा के लिए चिपक जाएगा। ओके और जब भी एग्जाम में आएगा तो इसको आप इजिली डील कर सकते हो। ओके तो ये जो पूरे टर्म है, दोनों टर्म को मिला के मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो क्या होगा, UV/X को मैं एज इट इज लिख लिया, यहाँ पे X²(α²) - β²(x²) यहाँ पे लिख लिया = 0। ओके यस, अब यहाँ पर देखें तो अपन यहाँ पे एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। एक्सेस को कॉमन निकले क्या होगा, X²(x) दैट इज UVX बचेगा, यहाँ पे α²(β²). ओके इस टर्म को अपन ले लेंगे राइट हैंड साइड में, दैट इज -d/dx ऑफ दिस पार्ट, -d/dx ऑफ दिस पार्ट दैट इज XV du/dx -u dv/dx। ओके अगला स्टेप क्या रहेगा, हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखो क्या बोला है, यस इंटीग्रेट करना है और लिमिट रखना है 0 to 1। ओके लिमिट किस और किसके रेस्पेक्ट में इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। फाइन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पे α²(β²) अपना कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन 0 to 1 UVX/dx। वैसे यहाँ पे अपने पास क्या नेगेटिव ऑफ दिस पार्ट था, तो माइनस बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 d/dx ऑफ दिस पार्ट दैट इज XV du/dx -u dv/dx। फाइन ओके अब ये जो पार्ट है इसको हम क्या किया, राइट हैंड साइड में लेकिन तो क्या होगा, ये -1/α²(β² जाएगा। अब ये जो है दैट इज u अपना क्या होता है, JN(α(x) होता है, v अपना क्या है, JN(β(x) होता है, और x को अपन यहाँ पे लिख लिए। ओके और यहाँ पे dx को लिखना मत भूलना, बिकॉज अपना क्या ये इंटीग्रेट होने वाला है। यहाँ पर देखो मैंने लिया था इसको, दैट इज u = JN(α(x) एंड v = JN(β(x), उसी को अपन यहाँ पे यस प्लेस किए हैं। फाइन यस, ये अपना आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, यस यहाँ पे इंटीग्रेशन है और यहाँ पे क्या है डिफरेंशिएशन है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो -1/α²(β² जो यहाँ पे आ चुका है इनटू दिस पार्ट। ओके अब यहाँ पे लिमिट है 0 to 1, तो यहाँ पे लिख लो लिमिट 0 to 1। आगे बढ़ते हैं, यस इस वाले पार्ट को अपन सॉल्व करेंगे। ओके यस तो हमको करना क्या है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा बिफोर कमिंग टू दिस स्टेप। यस यहाँ पे अपने पास यू क्या है, JN(α(x) है, और वी अपने पास क्या है, JN(β(x) है। तो इसको अपन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपना क्या होगा, ये α(JN'X) हो जाएगा, α(x) हो जाएगा। वैसे इसको अपन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट विल बी यस dv/dx β(JN'β(x). हो गया अब यहाँ पे आते हैं -1/X²-β²। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स को अपन एज इट इज रखें, वी अपना क्या है JN(β(x), उसको अपन यहाँ लिख दिए, du/dx अपना क्या है α(JN'α(x) हो गया, इसको अपन यहाँ लिख लिए। वैसे यहाँ पे आ जाओ, -u अपना क्या है JN(α(x), इसको यहाँ लिख लिए, dv/dx क्या है अपना β(JN'β(x) हो गया, इसको अपन यहाँ पे लिख लिए, लिमिट डालो 0 to 1। हो गया यहाँ तक का, यस अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना, ये सारे स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है डेरिवेशन को बार बार बनाओगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में बहुत जल्दी इजिली याद हो जाएगा। ओके यस आगे बढ़ते हैं, -1/α²-β²। ओके इसमें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आने वाला है, यस यहाँ पे आ जाओ, अपन क्या करते हैं लिमिट पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, अपर लिमिट डालो यहाँ पे एक्स के, अपन क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1 पुट करेंगे। ओके विल पुट 1 इन प्लेस ऑफ एक्स, तो ये अपना 1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ लिखा हुआ एक्स वहाँ पर हम क्या रखेंगे, वहाँ पर 1 रखेंगे, तो ये अपना क्या होगा JN(β(α)·JN'α), ऐसे यहाँ पे JN(α×β)·JN'β हो गया। ओके अब जब लोअर लिमिट डालूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या एक्स इंटू दिस है, एक्स इंटू दिस, तो लोअर लिमिट जैसे यहाँ पे 0 होगा तो 0 into anything विल बिकम 0। ओके तो अपर लिमिट अपना को ये वाला पार्ट मिल गया, लोअर लिमिट अपना क्या मिला यहाँ पे 0 मिल गया। ओके 0 मिल गया तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, -1/α²-β² यहाँ पे अपने पास क्या मिला, यस ये वाला पार्ट, अल्फा को पहले लिख दिया, जहाँ पे डैश नहीं है उसको अपन पहले लिखेंगे, जहाँ पे डैश उसको अपन बाद में लिखेंगे, तो α×JN(β×JN'α), वैसे यहाँ पे आ जाओ β×JN(α×JN'β) हो गया। ओके अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन थी, ओके दैट इज α×β अपना क्या है JN(x)=0, ये जो आपको जो इक्वेशन JN(x)=0, JN(x)=0 का जो इक्वेशन होगा उसका रूल्स क्या है, यहाँ पे अपने पास α×β है, तो सिंस α×β विद द रूल्स ऑफ JN(x)=0, ओके तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे JN(α=0 एंड JN(β=0,
यस हम इसको बोल सकते हैं ओके मतलब ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये वाली वैल्यू अपने क्या भी जीरो हो जाएगी ओके ये वाली वैल्यू जीरो और ये वाली वैल्यू जीरो ओके ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पे दो केसेस पूछा गया था आप एक बार देख लो अच्छे से। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल फंक्शन जिस इक्वल टू जीरो व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा ओके और दूसरा अपना क्या था जब अल्फा बीटा इक्वल होंगे तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या रहेगी हाफ ऑफ जे एन प्लस वन अल्फा का होल स्क्वायर। अब इसको जो अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे बाय टेकिंग केस वन एंड केस टू वन बाय वन है ना। यस नाउ यस केस वन दैट इज अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा तो अल्फा और बीटा जब इक्वल नहीं रहेंगे तो उस केस में क्या होगा। यस दैट इज इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स जे एन अल्फा एक्स इंटू जे एन बीटा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा ओके दैट इज माइनस वन अपन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट क्या जीरो है और ये वाला पार्ट क्या जीरो है तो ये जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो ये जीरो तो ये पूरा टर्म जीरो तो हम क्या बोलेंगे जीरो माइनस वन अपन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू जीरो इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे जीरो मिला तो हमारा केस वन दैट इज व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा तो ये इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिली जीरो मिल चुकी है। तो पहला जो केस अपना क्या हुआ क्लियर हो गया। अब सेकंड वाला केस में आते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ओके ध्यान से देखिएगा। केस नंबर टू क्या बोलता है व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स जे एन अल्फा एक्स इंटू जे एन बीटा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर देखो यहाँ पर अपने पास क्या है अल्फा बीटा है तो ये अल्फा बीटा अगर सेम होंगे तो अपना ये क्या जीरो हो जाएगा और ये जीरो है ये जीरो है ओके यहाँ से मुझे क्या मिला ये दो पार्ट जीरो मिला कि नहीं ये जीरो है ये जीरो है तो ये जीरो बन रहा है ऊपर में और नीचे भी क्या बन रहा है अपना जीरो बन रहा है बिकॉज अल्फा और बीटा क्या है अपना आपस में कैंसिल हो जाएगा बिकॉज बोथ आर सेम तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है जीरो पॉइंट जीरो मिल रहा है ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे लिमिट के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ यस दैट इज एल हॉस्पिटल रूल को अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे है ना। तो एल हॉस्पिटल को रूल को अपन जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ है ना ये आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में इसको अपन डिफ्रेंशिएट करें फाइन यस। तो यहाँ पे लिमिट अपन जो रखेंगे यहाँ पे रखेंगे लिमिट अल्फा टेंस टू बीटा ओके यहाँ पर मैं जो लिमिट रखूँ दैट इज अल्फा टेंस टू बीटा आप चाहो तो बीटा टेंस टू अल्फा भी ले सकते हो इट इज़ अप टू यू जो मैं अल्फा के रेस्पेक्ट में करूँगा वो आपको बीटा के रेस्पेक्ट में तब करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे मैं लिमिट क्या ले रहा हूँ पे अल्फा टेंस टू बीटा ले रहा हूँ तो यहाँ पे यस अल्फा टेंस टू बीटा का मतलब क्या है अल्फा की वैल्यू बीटा में चेंज हो जाएगी ओके अल्फा की वैल्यू क्या होगी बीटा बन जाएगी बट बीटा की वैल्यू में कोई चेंजेस है क्या यस नहीं है ओके अगर मैं अल्फा टेंस टू बीटा ले रहा हूँ तो जो भी चेंजेस वो कहाँ पर आएगा अल्फा में आएगा बट बीटा में के रेस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है मतलब ये जो है जे एन बीटा जो है वो जीरो ही होगा ओके बट यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका जीरो नहीं होगा बिकॉज अल्फा क्या है बीटा में चेंज हो रहा है फाइन यस। अब इसमें आते हैं ओके इसमें आते हैं दैट इज ऊपर वाला टर्म में आएंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या है जेन बीटा इक्वल टू जीरो है कि नहीं तो हम क्या बोलेंगे ई वाला पार्ट अपना क्या जीरो हो जाएगा तो ये पहला पार्ट अपना क्या होगा ये फर्स्ट टर्म अपना जीरो हो गया फाइन माइनस बीटा टाइम्स जेन अल्फा ओके जेन अल्फा को हम क्या करें अल्फा के रेस्पेक्ट में इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी यस ये अपना क्या बन जाएगा जे एन डैश अल्फा मैं पहले कह चुका हूँ अगर मैं अल्फा टेंस टू बीटा ले रहा हूँ तो मुझे करना क्या होगा यस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मुझे यहाँ पे अल्फा के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है आई बात समझ में। तो ये अपना जे एन अल्फा विल बिकम जे एन डैश अल्फा और इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट बीटा अपना क्या कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो ये अपना जे एन डैश बीटा एज इट इज रहेगा। नीचे में आ जाओ नीचे अपने पास देखो क्या लिखा हुआ है माइनस टू अल्फा लिखा हुआ ये कैसा है माइनस वन अपन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ था तो यहाँ बीटा अपना कॉन्स्टेंट है तो हमको करना क्या यहाँ पे अल्फा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो माइनस वन अपन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ओके देखो यहाँ पे क्या है ये नेगेटिव को मैं नीचे लेके आ जा रहा हूँ ओके नेगेटिव मैं इसको सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ओके सिर्फ और सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो यहाँ पे माइनस ऑफ दिस बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ पे इस नेगेटिव वन को अगर हटा दो तो माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इसको अपन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस ऑफ टू अल्फा मिलेगा तो वही माइनस ऑफ टू अल्फा को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई बात समझ में यस माइनस ऑफ टू अल्फा हो गया। अब यहाँ पे देखें तो अल्फा अल्फा अपना देखो नेगेटिव नेगेटिव अपना कैंसिल हुआ कि नहीं यस। अब यहाँ पे चूंकि अल्फा इक्वल टू बीटा है तो ये भी अब क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल ये बीटा और ये अल्फा आपस में कैंसिल तो हम क्या बोलेंगे यस। अच्छा अल्फा और बीटा अपने क्या सेम है इक्वल है तो ये जे एन डैश अल्फा इंटू जे एन डैश बीटा इक्वल टू जे एन डैश अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये जो टू है इसको अपन यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे दैट इज वन अपॉइंट टू टाइम्स जे एन डैश अल्फा का होल स्क्वायर विच ऑल्सो कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ जे एन प्लस वन अल्फा का होल स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया ओके अब बात यह है कि ये कहाँ से आया तो इसके लिए हम क्या करेंगे रेकरेंस फिफ्थ रिलेशन को अपन यहाँ पे यस यूज करेंगे
तो यहाँ पर देखो क्या है, यस फ्रॉम रेकरेंस फिफ्थ रेकरेंस फॉर्मूला वी हैव दैट इज जे एन डैश एक्स इक्वल्स टू एन अपॉन एक्स जे एन एक्स माइनस जे एन प्लस वन एक्स, ये मुझे पता है। यस अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स जगह पे अल्फा पुट करेंगे बिकॉज यहाँ पर अपना क्या है इन टर्म्स ऑफ अल्फा है, तो जे एन डैश अल्फा इक्वल्स टू एन अपॉन अल्फा जे एन अल्फा माइनस जे एन प्लस वन अल्फा। ओके अब ये जो पार्ट है देखो, यस ये अपना क्या है जीरो है कि नहीं, यस जीरो है, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्म को अपन क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे, तो दिस इक्वल टू दिस दैट इज जे एन डैश अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ जे एन प्लस वन अल्फा, तो इसको अपन यहाँ पे रखेंगे जब, तो यहाँ पे स्क्वायर तो ये अपना नेगेटिव क्या होगा अपना ये अगेन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ओके दैट इज हाफ ऑफ जे एन प्लस वन अल्फा इसका होल स्क्वायर। ओके तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था आपका, प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करिए एंड आई एम श्योर कि आपको ये सब चीज़ें जो हैं इजिली आपको याद हो जाएंगी। ओके या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।